नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छ भारत और मिशन शक्ति का दम भरते नहीं थकते, देश में स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति राज्य में दिखाई देती है। राज्य में धीरे धीरे नवीन आगरा और स्मार्ट सिटी की कलई खुलती नजर आ रही है। इज्जत घर पर मिशन शक्ति और स्वच्छ भारत की सच्चाई बयां करती है। वहीं विपक्ष भी इस चीज को लेकर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। आपको बता दें कि आप नेता कपिल वाजपेयी के नेतृत्व में आप नेताओं ने नगर निगम के बाहर टॉयलेट पर लगे मुख्यमंत्री की फोटो की आरती उतारी, साथ ही मुख्यमंत्री से आगरा के MG रोड पर बने टॉयलेट खोलने की अपील भी की है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और यहां पर जो विरोध प्रदर्शन है उनका वो लगातार जारी है। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं वहां पर आप कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनकी क्या हालत है और वो किस तरह से पूरे दिन बंद पड़े रहते हैं, इसकी पोल आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं वो खोलते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की यहां फोटो लगी हुई थी, उसकी आरती भी उतारते हुए ये कार्यकर्ता नजर आए हैं। वहीं आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास स्थित SM चैरिटेबल अस्पताल में एक मामला सामने आया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। एक परिवार अपने बच्चों को लेकर के पहुंचा, जिसके सिर में कुकर फंसा हुआ था और निकालने पर भी नहीं निकल रहा था। बेटी की हालत देखकर माता पिता का रो रोकर बुरा हाल था। तो वहीं इस बच्चे को देख डॉक्टर फरहाद के आदेश पर अस्पताल की पूरी टीम मासूम बच्चे को बचाने में लग गई। चिकित्सक फरहाद की टीम बच्चे को चिकित्सीय उपचार देने के साथ बच्चे के सिर में फंसे कुकर को निकालने में जुट गई। चिकित्सीय टीम ने बहुत ही होशियारी के साथ बच्चे के सिर में फंसे कुकर को ग्राइंडिंग मशीन से काटकर बाहर निकाला और बच्चे को सकुशल माता पिता को सौंप दिया। तो आगरा का ही अजीबो गरीब मामला सामने आया, जहां मासूम के सिर में कुकर फंस गया था, जिसके बाद माता पिता मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे और किसी तरह से पूरी टीम ने जो डॉक्टर्स की थी वो काट कर कुकर को निकाला है और सकुशल मासूम को माता पिता को सौंप दिया। बरेली की अंशिका ने अपनी कला से विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम स्थापित कर अपने शहर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अंशिका ने अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाकर भक्ति को एक नए रूप में पेश किया, साथ ही अपनी कला से प्रदर्शनी में अवधपुरी का सेटअप तैयार कर माहौल को अवध धाम के स्वरूप में पेश किया है। रामायण के 501 पवित्र नामों को कलावे से लिखकर अपनी कला के प्रदर्शन से विश्व में नाम रोशन किया। कार्यक्रम में स्पीड पेंटिंग और भगवान राम की भक्ति में संगीत की प्रस्तुति से शहर की जनता को अपनी कला की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनी को देखने बरेली वासी भारी मात्रा में पहुंचे और अपने शहर की शान अंशिका के कार्यों की सराहना की है। तो बरेली का ये पूरा मामला, जहां पर अंशिका ने विश्व रिकॉर्ड में जगह बनाई है, प्रदर्शनी देखने भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने आसानी से तमाम जो पेंटिंग्स हैं वो अंशिका बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा रामायण के भी यहां पर 501 जो नाम है उसके भी अलग अलग यहां पर नमूने देखने के लिए मिले हैं। दरअसल बरेली की अंशिका ने अपनी कला से विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम स्थापित कर अपने शहर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अंशिका ने अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाकर भक्ति को एक नए रूप में बरेली वासियों के सामने पेश किया, साथ ही अपनी कला से प्रदर्शनी में अवधपुरी का सेटअप तैयार कर माहौल को अवध धाम के स्वरूप में पेश किया है, जिसकी वानगी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रामायण के 501 पवित्र नामों को कलावे से लिखकर अपनी कला के प्रदर्शन से विश्व में नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में स्पीड पेंटिंग और भगवान राम की भक्ति में संगीत की प्रस्तुति से शहर की जनता को अपनी कला की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनी को देखने बरेली वासी भारी संख्या में पहुंचे और अपने शहर की शान अंशिका के कार्यों की सराहना की है। यहाँ पर आज हम लोगों ने अवधपुरी में राम को बुलाया है। यहाँ पर हमने पूरे अवधपुरी का सेटअप करा है, जिसमें मैंने रामायण के सभी कैरेक्टर्स के 500 कैरेक्टर्स के नाम कलावे से लिखे थे, उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड एग्जीबिशन हुआ है। विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली बरेली की अंशिका अग्रवाल ने आज बरेली में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसको देखने बरेली की जनसंख्या काफी मात्रा में वहां उमड़ी। अंशिका अग्रवाल ने
रामायण के 501 पवित्र नामों को कलावे से लिखकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और आज उसकी प्रदर्शनी लगाकर उन्होंने अपने कार्यों की सराहना ली। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनकर तैयार हुए ऑक्सीजन प्लांट का स्वास्थ्य विभाग के एडी, सीएमओ और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में पहुंचे बीजेपी विधायक रोमी सहनी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर बनाए गए बच्चों के वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया और दवाओं तमाम चीजों से संबंधित जानकारियां हासिल की। बीजेपी विधायक रोमी साहनी के प्रयास के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में करीब 43 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर, एसीएमओ डॉक्टर पंत, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर हरिंद्रनाथ वरुण सहित स्थानीय स्टाफ की मौजूदगी में विधायक रोमी सहनी ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया है। ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के बाद बीजेपी विधायक रोमी सहनी और जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर बनाए गए पीकू वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। विधायक ने स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हुए आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसकी भी बात कही है। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि दीपक तलवार, श्यामानंद वासुदेवानंद, ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला, आरडीआर और नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। तो लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन प्लांट का विधायक ने शुभारंभ किया। जिलाध्यक्ष समेत तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन प्लांट तमाम जिलों में लगाए जा रहे हैं ताकि तीसरी लहर को लेकर जो आशंका है वो सच साबित ना हो और अगर तीसरी लहर आती भी है तो फिर उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार रहे तीसरी लहर से लड़ने के लिए, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति भी बदतर हालत में थी। इसी वजह से अभी से सारी तैयारियां जो हैं वो कर ली जा रही हैं और ऐसी ही तस्वीरें लखीमपुर खीरी से सामने आई हैं जहाँ पर जिलाध्यक्ष समेत तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर शुभारम्भ किया गया है। आज पलिया में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है, उसका ट्रायल किया गया है और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 43,38,000 रुपए की लागत से तैयार हुआ है और आज हम और सीएमओ साहब, सीडीओ साहब सब लोगों ने और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि ने हम लोगों ने सब ने मिल करके इसको ट्रायल के रूप में इसका आज उद्घाटन किया है। और आप लोग सब जानते हैं कि पिछली बार कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई, तो अब जब कभी भी कोरोना आए तो हमारी जनता को ऑक्सीजन से परेशान न होना पड़े, उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। वहीं फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी जानलेवा बीमारी दस्तक दे चुकी है। पीड़ित बच्चे के पिता ने सदर बीजेपी विधायक से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि रामपुर गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके 6 साल का बेटा मयंक विश्व की लाइलाज बीमारियों में से एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित है। देखने में बच्चा एकदम स्वस्थ लगता है लेकिन उसकी कमर और पैर पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, जिससे बच्चा खुद से ना बैठ सकता है और ना ही चल सकता है। बच्चा दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है। पिता ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि 21 जनवरी में उसे इलाज के लिए एसजीपीजीआई लखनऊ के डॉक्टरों के पास ले जाया गया। जांच पड़ताल के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक जानलेवा दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। पिता ने बताया कि बहुत दिनों तक इलाज चलने के बावजूद जब कुछ सुधार नहीं आया तो मयंक को लेकर वो घर चले आए। पिता ज्ञानेंद्र के अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का इलाज अमेरिका में होता है जिसका खर्चा लगभग 16 से 18 करोड़ रुपये आता है। इस उन परिजनों में मायूसी छा गई। पिता ज्ञानेंद्र सिंह मदद की आस लगाए सदर विधायक विक्रम सिंह से मिलकर मासूम मयंक के इलाज के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दिलाने की गुहार लगाई है। सदर विधायक विक्रम सिंह ने पीड़ित के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए यथासंभव मदद दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया है। तो फतेहपुर का एक पूरा मामला है जहाँ पर परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। दरअसल मासूम बच्चा जो है वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो कि बीमारी लाइलाज है या फिर जिसका इलाज बहुत महंगा है और जो मासूम के पिता हैं वो इतना महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं है। बड़ा ही दुखद विषय है कि किसी के घर में भी इस तरह की
अगर परेशानी आती है तो निश्चित तौर पर आर्थिक मार जो पहले तो कोरोना में लोगों ने झेली है और अब इस तरह की बात आती है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जो भी भगवान का वो है उसके आगे हम सब बेबस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने इसमें मानवता की सेवा में कई कीर्तिमान स्थापित किए और मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने देश के कोने कोने में ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश की है जो आर्थिक परेशानियों के कारण अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे। सर मेरा बच्चा बीमार चल रहा है। क्या बीमारी है इसको? इसको बीमारी है सर, विकलांग है सर। नहीं, किस तरह से विकलांग है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी है सर। डॉक्टर को दिखाए थे तो डॉक्टर ने बोला कि इसको विकलांग है, तो डॉक्टर फिर इलाहाबाद में दिखाए तो डॉक्टर रिफर कर दिए लखनऊ के लिए। लखनऊ में सर जाँच वाँच वहाँ भी करवाएं, वहाँ भी पैसा खूब बर्बाद हुआ। उसके बाद में उन्होंने जाँच करवाने के बाद में कह रहे हैं तुम्हारा बच्चा विकलांग है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। सर हमको जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से विदेशों में इंजेक्शन पाया गया है, तो विधायक जी के पास आए थे मदद के लिए। कितना खर्चा बताए हैं डॉक्टर? 16 करोड़ का सर बताए इंजेक्शन की, 16 करोड़ के प्रधानमंत्री योजना के तहत में है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सब साइबर ठग सरकारी दफ्तरों में काम कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया करते थे और पीएफ की रकम निकालने की एवज में ये लोगों से ठगी किया करते थे। ज्यादातर इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों से ठगी की है। अब तक ये तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं, जिसके साथ उन्होंने अरबों रुपए की ठगी की है। पुलिस का कहना है कि उनके पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने अपनी कई टीमें लगा रखी हैं। अभी पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है जो फरार हैं। उन साथियों को वॉन्टेड कर दिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम का एक पूरा मामला है जहाँ पर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता ये हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि ये लोग लोगों से ठगी किया करते थे और ये लोग उन लोगों को ज्यादा शिकार बनाते थे जो कि सरकारी दफ्तरों में काम कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और पीएफ की रकम निकालने के एवज में लोगों से ठगी किया करते थे। इन्होंने ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को अपना निशाना बनाया है। अब तक ये तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं, जिनके साथ इन्होंने अरबों रुपए की ठगी की है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने अपनी कई टीमें लगा रखी हैं और अब पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है जो फरार हैं। साथ ही उनकी भी तलाश की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए गए 420 के अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत आज इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल के माध्यम से ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 अपराधियों को पकड़ा गया है जो उनसे 14 मोबाइल फोन, 33 एटीएम और पासबुक, आधार कार्ड, तमाम ये सामग्री जो वो लोग फ्रॉड में यूज करते थे उसको बरामद किया गया। कैश की रिकवरी हुई? इनके तमाम खाते हम लोगों को मिले हैं, खातों को सीज फ्रीज करा दिया गया है और जो भी इनके खाते में पैसे हैं वो सबका हम लोग हिसाब करके फिर उसको अलग अलग जिनसे भी फ्रॉड किया है इन लोगों ने उनको हम लोग दिलवाएंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाना पुलिस ने 3 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो ईपीएफ की रकम दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। इनके द्वारा ठगे गए लोग हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात के ज्यादातर हैं। हालांकि ये पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि अब तक तकरीबन 10,000 लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं, जिनसे तकरीबन अरबों रुपए की रकम इन्होंने हड़प डाली है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वही बस्ती के मुंडेरवा थाने के NH-28 पर पुलिस की स्वाट टीम और मुंडेरवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद की है। 3 तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मुखबिर की सूचना पर स्वाट और पुलिस की टीम ने घेराबंदी की। 2 टैंकर और पिकअप में 65,000 लीटर अवैध स्प्रिट को पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 65 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध स्प्रिट से भरा टैंकर गोरखपुर से बस्ती की तरफ आ रहा था। बताया भी जा रहा है कि अवैध स्प्रिट से भारी मात्रा में जहरीली शराब बनाई जाती थी। पूछताछ में पकड़े गए तस्करों ने बताया कि फिरोज उर्फ शबलू से स्प्रिट खरीदा था।
गोरखपुर के अवधेश ने फिरोज से इनका संपर्क कराया था। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पर जहरीली शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। यहां पर भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद की गई है। जनपद बस्ती में जहरीली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट पर बहुत कमर तोड़ कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई स्वाट टीम के द्वारा की गई। इनके द्वारा दो स्प्रिट के टैंकर पकड़े गए हैं जो एक पिकअप में स्प्रिट उतार रहे थे। ये तीनों गाड़ियां पकड़ी गई हैं और तीनों गाड़ियों के ड्राइवर पकड़े गए हैं। इस पूरी साजिश के पीछे जो मुख्य षडंत्रकर्ता हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। ये ड्राइवर पूर्व में कभी जेल नहीं गए हैं। ये चूँकि मात्र गुर्गे हैं, इनके मुख्य मालिकों के बारे में जानकारी की जा रही है। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच मुजफ्फरनगर की बढ़ाना तहसील पर पूर्व मंत्री धर्मेंद्र बालियान और पूर्व विधायक राजपाल बालियान पूर्व मंत्री के नेतृत्व में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और वहीं सभी ने बारी बारी से अपनी बातों के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं सभी ने मंच के जरिए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम दिखा और वहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ठीक उसी तरह आरएलडी पार्टी चुनावी मैदान में है। कभी भाईचारा सम्मेलन तो कभी धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरने में लगी है। हालांकि अब देखना ही होगा कि किस तरह के समीकरण और तस्वीर 2022 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आती है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरएलडी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी था। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से अलर्ट होकर नजर आ रही है। वहीं यहां पर जनसभाएं की जा रही हैं, साथ ही साथ मंच पर खड़े होकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। हमारा ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सब तहसीलों पर हमारा किसानों की मांगों को लेकर सभी तहसीलों पर यह धरना दिया जा रहा है। उसमें खासतौर से बातें हैं गन्ने की, जो कीमत गन्ने का जो हम पेमेंट गन्ना डाल चुके हैं उसका पेमेंट, और उसके साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल और फर्टिलाइजर के रेट बढ़े उसके अनुसार कि हमारे गन्ने की कीमत जो है उसी एवरेज से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। आज इन सब मांगों को लेकर के दूसरी यह है कि गांव में बिजली के न आना और बिजली जो है उसके रेट बढ़ जाना, इन सब के विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन। इतना ही नहीं, जो नौजवान युवक जो हैं उनके कोरोना के टाइम में जो उनका टाइम निकलता जा रहा, चाहे पुलिस की भर्ती हो, पीएसी की भर्ती हो, आर्मी की भर्ती हो, उनको एज निकल के उनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिला, मिलना चाहिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी तमाम तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लगातार सरकार को घेरने में लगी है। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आरएलडी के पूर्व मंत्री हैं धर्मपाल बालियान, धर्मवीर सिंह बालियान। बात करते हैं किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी और कब तक इस तरह के संघर्ष पार्टी के जारी रहेंगे। सर आज लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार पार्टी को मतलब सरकार को घेरने का पार्टी प्रयास कर रही है। किन किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन और कब तक कैसे संघर्ष जारी रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज से कि कोई भी जन समस्या देश के अंदर होती है उसके लिए आवाज़ उठाने जाते हैं, और उठाने के इस कारण ही यह हाथ पिछले टाइम में हाथरस में देखा कि वहाँ पर एक नौजवान लड़की को बलात्कार करके ज़बरदस्ती उसको फूंक दिया गया। वहाँ पर भी जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुई लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, गन्ने की समस्या, बेरोजगारी की, महंगाई की लेकर पूरे प्रदेश के अंदर तहसीलों के हेडक्वार्टर पर आज हम राष्ट्रीय लोकदल के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आरएलडी लगातार, जैसे चुनाव आ रहे हैं, लगातार मैदान में है और वहीं एक उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बनकर उभरी है और लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रही है, क्या लगता है इन तमाम चीज़ों से सरकार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या परिणाम सामने आएंगे। इसी सब बातों को देखते हुए जो आपने बताया अभी, सरकार बौखला गई है। सरकार जो किसानों के प्रति जब अत्याचार कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सिसोदिया के टाइम में पिछले समय देखा तो मंत्री केवल ये कह देना कि एसपी 20 से हट जाए, क्या मंत्री का इस तरह से होता कहने का है कि पुलिस प्रशासन 20 से हट जाए। इतने तीन
मंत्री जो होता है जनप्रतिनिधि होता है, उसको अगर कोई बात भी होती है तो उसको अपना समझ के ये कि बातियाँ उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको जनता के बीच में जाना चाहिए सारी बातियाँ। तो इन बातों को देखकर जयंत चौधरी ने पूरे प्रदेश में इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बेरोजगारी जो हो रही है आज देख रहे हैं कि कई करोड़ जनता हमारे नौजवान, जबकि हिंदुस्तान जो है 17 साल से लेकर और 35 साल तक का 70% जो जनता है वो बेरोजगार होती है। तो जब बेरोजगार होती है, नौजवान बेरोजगार होता है, तो देश में गरीब आती है। इस सरकार ने क्या लगता है, जैसे बेरोजगारी की बात करें, बढ़ती महंगाई की बात करें, क्या इन तमाम चीज़ों से इस बार जो जनता है वो अपना कहीं ना कहीं रुख बदलेगी और सत्ता परिवर्तन का काम करेगी, क्या लगता है? जब जब भी सरकार की तानाशाही रूप का रवैया रहा, पिछले 50 साल से देख रहे हैं, तभी भी जनता का में रोष प्रकट होता है। उन्होंने सरकार बदल दी, चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जब जनता साथ देती है, बंगाल के टाइम में देखा जनता ने साथ दिया तो सरकार से कुछ नहीं बिगड़ पाया केंद्र की सरकार से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेशन पर मौजूदा पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह करे बगैर ट्रेन से गिर रहे यात्री की जान बचाई है। यात्री अचानक ट्रेन में चढ़ने के चलते अनियंत्रित होकर चलती ट्रेन से गिरने लगा। यात्री को गिरता देख ड्यूटी पर मौजूदा पुलिसकर्मी ने दौड़ लगा दी और ट्रेन की पटरी के नीचे जा रहे यात्री को खींच लिया। कुछ ही सेकंड में यात्री की जान बच गई, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो यात्री अनियंत्रित होकर ट्रेन की पटरी के नीचे चला जाता, जिसके चलते यात्री की मौत भी हो सकती थी, लेकिन समय रहते सिपाही ने अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्री की जान बचाई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की घटना है जो कि डॉन लखनऊ की तरफ जा रही थी, और उसी तरह उसी दौरान एक आदमी भाग करके आया और उसका गेट पकड़ के चढ़ने लगा और चढ़ने में ही वो गिर गया। बस अगर थोड़ा सा ही समय 2-4 सेकंड का और होता तो वो नीचे पहुंच जाता और कट के उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। जब गिर के घिसटते हुए देखा, वहीं पर हमारा हेड कॉन्स्टेबल राकेश कुमार यादव, रजनीश कुमार यादव मौजूद थे, और उन्होंने दौड़ करके अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तुरंत उसको पकड़ करके बाहर खींचा और ले जा करके उसको पानी वानी पिलाया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसे नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और उत्साह वर्धन हुआ, जिससे कि और अच्छा काम करें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।